मतलब एक्चुअली देखो ऐसा है कि बीएचयू के बारे में वही बंदा बता सकता है जो बीएचयू के अंदर है। बाहर से तो लोग कुछ भी बोलेंगे कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, अंदर ये चलता है वो चलता है, बट अंदर आप लोग हो तो आप लोग को ज्यादा बेटर अच्छी तरीके से पता होगा, है ना। तो इसलिए फिर आप लोगों को ये किया, इनवाइट किया। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यार ये बहुत जरूरी है और ये लर्नर्स को काफी हेल्प करेगा, समझ रहे ना। तो चलो स्टार्ट करें, धनंजय और गोमतेश सबसे पहले बताओ कैसे हो आप लोग सर, दोनों? जैसे आप वैसे ही। वैसे ही हो? सर, अच्छा मैं तो घर में हूँ। ठीक हूँ। घर में? अच्छा कौन क्या ज्यादा अच्छा लगता है, घर में रहना या बनारस में रहना? घर में रहना। सर सर, आपने कहा था आप कंट्रोवर्सी नहीं करोगे। अच्छा मतलब घर सा में अगर ये क्वेश्चन वीडियो चलेगी मेरे हॉस्टल की तारीफ करनी है। तो अच्छा ऐसे करके बताओगे। ये गोमतेश आप हो कहाँ से, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन करी है और मतलब कब आपने हाँ ग्रेजुएशन करी है? मतलब यस सर। मैंने लाइक 22 में पास आउट हूँ। फरीदाबाद में YMCA करके कॉलेज है, जेसी बोस, वहीं से। अच्छा ओके, तो आपकी मतलब शुरुआती सारी स्टडी वहीं से हुई है? हाँ मेरी फरीदाबाद से रही है। लाइक फर्स्ट से 12th में KVS में था, मतलब KV वहाँ पे, और उसके बाद फिर वहीं पे YMCA में कर लिया था BSc फिजिक्स बस। अच्छा, तो कैसा रहा था वहां का बीएससी, कैसा था और अभी आपको क्या डिफरेंस दिख रहा सर बहुत कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। लाइक है? ठीक है वो भी कॉलेज है, लेकिन लाइक ठीक है वही है ना। लाइक अभी हम Tier 1 कॉलेज में, पहले मैं Tier 3 में था, तो लाइक जो डिफरेंस होता है वो पता चल जाता है उसी उससे। धनंजय आप बताओगे थोड़ा सा? मैं पुणे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ और 21 के अक्टूबर में मेरा एसपी कॉलेज। अच्छा एसपी कॉलेज से हो आप भी, काफी लोग हैं हाँ फिर वहीं से, मतलब काफी लोगों को जिनको मैं जानता हूँ एसपी कॉलेज से हैं, शायद इस बैच के भी कुछ बच्चे हैं शायद पुणे कॉलेज में वहीं से। तो फिर आपने सारी पढ़ाई वहीं से करी है? हाँ मतलब वाह 11-12 वाह से वहीं पे हूँ। वाह। अच्छा तो आपको क्या हाँ डिफरेंस दिखा IIT BHU में और यहाँ पे? सर, पहले तो क्या मतलब फैकल्टी वाइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखा। मतलब फैकल्टी वाइज मतलब नॉर्मल जो कॉलेजेस, मतलब मेरा जो कॉलेज था उसमें फैकल्टी की फैकल्टी का स्पेशलाइजेशन कोई और होता था और वो कोई और टॉपिक पढ़ा दे रहा था, तो फिर उसका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे जिसका स्पेशलाइजेशन उसमें फील्ड में है वही फील्ड वो पढ़ा रहा है। अच्छा तो ये अच्छा लग रहा है ना। हाँ अच्छा तो ये बताओ फैकल्टीज कैसी है, मतलब IIT BHU के अंदर फैकल्टीज कैसी है, मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग फैकल्टी है, कितने टीचर्स हैं ये सब? लाइक काफी है फैकल्टी। तो लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर तो लाइक अबव लाइक 10 है काउंट में, प्रोफेसर आई गेस 6 या 7 है, और एसोसिएट भी ऐसे हैं 4 और 5 या नहीं। और सर लाइक सबसे अच्छी चीज इनकी क्या है, लाइक इनका जो कोर्स स्ट्रक्चर है ना, तो ये जो एक पेपर भी होता है ना इनका, तो उसके मिनिमम 2 टीचर्स पढ़ाते हैं। तो लाइक अगर ओके पहले के साथ भी नहीं हो पाया ना, तो लाइक दूसरे के साथ हो ही जाता है, ये तो होता ही है। लाइक ये इनकी अच्छा बेस्ट चीज लगी इनको, लाइक ये हर IITs में शायद आई गेस, और ये बेस्ट चीज लगी है। एक ही पेपर में 3-4, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स 4 टीचर पढ़ा रहे चार टीचर पढ़ा रहे इलेक्ट्रॉनिक्स सेम पेपर। हैं। हाँ लाइक उसके हाँ मतलब सर, एनालॉग कोई पढ़ाएगा, डिजिटल अलग पढ़ा रहा है, सेमी कंडक्टर किसी और ने पढ़ाया था, ओपैम के लिए बीच में कोई और आया था ऐसे। ओ अच्छा, ये तो खैर काफी अच्छी बात। और ओपैम लैब्स वगैरह आपने कैसे? अच्छा पढ़ाया था लेकिन हाँ नो डाउट। सर, अच्छा ये, अच्छा छोड़ो ये अच्छा लगा यार। अच्छा ये बताओ मतलब लैब्स अच्छे वगैरह कैसे होते हैं? लैब्स भी अच्छे हैं, मतलब सब सही है। मतलब लैब में भी ऐसे 1-2 टीचर होते हैं, लाइक हर एक्सपेरिमेंट बाद वाइवा होगा। एक तो मेन चीज यही है कि एक्सपेरिमेंट करा, उसके बाद अगले दिन उसका वाइवा लेंगे और साथ में दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये रहता है। तो आप लोगों का धनंजय, आपके दोनों में से कोई भी बता दो कि आप लोगों का कोर्स स्ट्रक्चर है कैसा। मतलब जनरली जैसे फर्स्ट ईयर से ही आप लोगों को इलेक्टिव्स ऑफर कर दिए जाते हैं, या फिर वो सेकंड ईयर में ऑफर होते हैं, या फिर फर्स्ट ईयर में सारे कोर पेपर पढ़ाए जाते हैं जो सबके लिए कॉमन होता है, क्या होता है, कैसा सीन है इसका? इलेक्टिव्स इसमें दो कैटेगरी में डिफरेंशिएट करते हैं IITBH वाले, एक डिपार्टमेंटल इलेक्टिव्स होता है और एक कॉमन इलेक्टिव होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कॉमन इलेक्टिव होता है कि वो ह्यूमैनिटीज और लिंग्विस्टिक ऐसा करके कुछ होता है, वो तो जो मिले ओके ले लो। अच्छा और डिपार्टमेंटल इलेक्टिव जो होता है वो फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में से एक एक चालू होता है, और थर्ड सेमेस्टर में शायद 2 या 3 हो जाते हैं। ओके। और उसका फोर्थ में?
फोर्थ में मतलब आपके हिसाब से, कंपैटिबिलिटी के हिसाब से आप इलेक्टिव चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट वर्क जो शुरू होगा वो अभी थर्ड सेमेस्टर से शुरू होगा ऑफिशियल, क्योंकि अभी हमें सब्जेक्ट्स अलॉट कर दिए। तो फिर आपको जो अलॉटमेंट मतलब जो इलेक्टिव चूज करना होगा फोर्थ सेमेस्टर में, वो चूज कर सकते हैं। तो आप लोग जो ये चूज करते हो, प्रोजेक्ट चूज करते हो, तो प्रोजेक्ट कैसे मिलता है आप लोगों को? मतलब उसके लिए कोई प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ होता है, कुछ टीचर्स वगैरह कुछ, मतलब सीजीपीए देखते हैं, क्या देखते हैं वो लोग? सीपीआई बेस्ड एंड लाइक टीचर्स कॉन्टैक्ट, टू बी ऑनेस्ट. मतलब अच्छा लाइक हाँ सीपीआई ज्यादा मैटर करती है, लेकिन अगर टीचर से लाइक सेकंड सेमेस्टर में तुम जाके मैम वैम से पूछ लो क्या प्रोजेक्ट है वगैरह, पहले से बॉन्डिंग कर लिया और उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो अपर हैंड पक्का मिलेगा. तो लाइक फिर सीपीआई मैटर नहीं करेगी. अच्छा ओके. तो सारे टीचर्स के साथ सेम सीन होता है या फिर ऐसे होता है कि कुछ टीचर्स ऐसे स्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं मेरे को सीपीआई ही देखना होता है? नहीं सर, अगर आप लाइक थर्ड सेमेस्टर में ले रहे हो जब सबके साथ, तब तो आपका सीपीआई देखा जाएगा, तब इतना वो नहीं होता. लेकिन अब सेकंड सेमेस्टर में किसी को ज़्यादा ही हाँ इंटरेस्ट है, तो उसी टाइम अगर चला गया तो फिर उसको ही बेनिफिट मिल जाता अच्छा, वो मतलब हर जगह लगभग सेम ही सीन होता है, ये अच्छी बात है. चलो, है और सर. टीचर्स के साथ इंटरेक्शन कैसा है, मतलब क्लास के टाइम पे इंटरेक्शन कैसा है, या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो लैब वगैरह मतलब सर के लैब जो होते हैं या ऑफिस होते हैं उनमें जाते हो, क्या करते हो ये सारी चीजें? मतलब प्रॉब्लम हुई कुछ मतलब दो थेरोटिकल मतलब टीचर्स जो लैब कंडक्ट करते हैं वो अलग होते हैं और थ्योरी पढ़ाते हैं वो अलग होता है. तो फिर आप जिनसे चाहे मतलब बात कर सकते हो, मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और फिर टीचर्स काफ़ी फ्रेंडली भी. अच्छा काफी फ्रेंडली है. तो आप लोगों ने इंटर्नशिप के फॉर्म भरे हैं आप लोगों ने? नहीं सर, मतलब मेरा मेरा जो कोर्स वर्क मतलब प्रोजेक्ट वर्क था, इसीलिए मेरे मतलब जो टीचर थे उन्होंने बोला कि यही रखो, इसीलिए अच्छा नहीं मतलब भरा. वही आप लोग समर्स में वही रहने वाले हो फिर, बीएचयू के अंदर ही? हाँ मैं तो और रहूँगा. घूमते साहब भी? हाँ सर, लाइक मोस्ट प्रोबेबली लाइक मैं साथ साथ बाकी भी देखता हूँ. लाइक टेक फील्ड में भी मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं वो भी देखता रहता हूँ. तो लाइक अच्छा मैं प्रोजेक्ट के साथ मतलब रिसर्च बेस्ड इंटर्न लाइक नहीं लूंगा मोस्ट प्रोबेबली. अच्छा, तो वो कहाँ पे लेने का प्लान है, बीएचयू के अंदर ही या बाहर भी प्लान, मतलब ये कर एक्सप्लोर कर रहे हो? सर लाइक समर के टाइम तो कहीं भी लगेगा, लाइक अगर हैदराबाद या बेंगलोर ऐसी सिटी मिल गई तो बेस्ट है. क्या जी तो आपने अप्लाई किया कि नहीं किया अभी? इंटर्न्स के लिए लाइक टेक वाले के लिए करता रहता हूँ मैं बीच बीच में, अभी भी कर रहते हैं. ओके, तो अभी दो इंटर्न आए हुए हैं जो आपके पेड होंगे बेसिकली, बट वो अगर टेक में जाना हाँ चाहते सर, हो तो लाइक मैंने वो वीडियो देखी थी जो आईआईटी कानपुर की, आई गेस. एक आईआईटी कानपुर का, हाँ एक आईएससी का भी आया हुआ एक, अच्छा तो वो सेम ही है, उसी टाइप का है. तो अगर आपको मशीन लर्निंग वगैरह इन सब में भी अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है हाँ या फिर AI वगैरह में है कुछ काम, तो आप ट्राई कर सकते हो, उन सबको फील कर सकते हो. तो इनमें अगर रिकमेंडेशन वगैरह चाहिए होती तो टीचर्स आराम से दे देते हैं या कुछ क्राइटेरिया वो लोग रखते हैं? नहीं लाइक मतलब मेरा एक दोस्त है जीत, उसने लाइक क्वांटम के लिए कुछ करा था, तो लाइक रिकमेंडेशन मिल जाता है सर से. लाइक अच्छे से लाइक क्लासेस ले रहे हो और उसके बाद फिर सर के सामने में जो क्लासेस ले रहे हो ना, वो इनफ होता है सर. सीपीआई लाइक जो राघव सर थे हमारे फिजिक क्वांटम वाले, तो वो ऐसे थे कि लाइक क्लास ले रहे हैं ना, तो ऐसे कुछ वो ज़्यादा उस पर डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे सर लाइक पढ़ता है नहीं पढ़ता, लेकिन आ रहा है ना क्लास लाइक उस वजह से. तो मेरे एक दोस्त ने मांगा था और मिल गया था सर से. लाइक एकदम डेडलाइन पे रहते हैं सर, मैसेज करते रहे हम लोग करते रहे सर को, लेकिन देंगे डेडलाइन से एक दिन पहले भी, लेकिन दे अच्छा, मतलब देते दे देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. नहीं. अच्छा, तो किसी ने आपके साथ वालों, किसी ने बाहर इंडिया से बाहर किसी ने इंटर्नशिप वगैरह लिया अभी समझ में? नहीं सर नहीं, ऐसा सच कोई मुझे. एक्स कोई कोई एक्सपोजर है आप लोगों के पास, मतलब ऐसे कोई इंटर्नशिप वगैरह जैसे इंडिया के बाहर के आ रहे हैं तो आप लोगों को पता चलता है या ऐसा कुछ? सब बाहर की इंटर्नशिप का लाइक आइडिया ही नहीं रहता, लाइक पता ही नहीं चलता है. मतलब अच्छा कुछ भी. एटलीस्ट लाइक ऑन कैंपस जो आ रही है कंपनीज वगैरह, एक तो लाइक कोर हमारे जैसी ब्रांच है लाइक उस अकॉर्डिंग तो नहीं आती है, लेकिन लाइक जो टेक वाली रहती है आईटी सेक्टर की, वो वाली इंटर्न्स आती रहती है तो पता चल जाता अच्छा, मतलब ऐसे अगर इंडिया से बाहर का कुछ नहीं पता चलो. अच्छा, सीनियर से है. बात होती है हाँ आप लोगों की, मतलब मेरी होती है सर. उन लोगों से है इंटरेक्शन आप लोगों का बढ़िया? हाँ मेरा है लाइक प्ले काफ़ी लोग लाइक 24 की स्ट्रेंथ है आई गेस, 10 से 12 लोग जिनको प्लेस होना था वो सब प्लेस हो गए और बाकी सब लोग पीएचडी के लिए जाएंगे. जितने जैसे आपके सीनियर्स वगैरह, तो उन लोगों में से किसी ने प्रोजेक्ट के लिए या किसी काम के लिए कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए बाहर गए, इंडिया से बाहर कहीं इधर उधर?
आइडिया है इसका? सर नहीं, लाइक मेरे को ये पता है कि मेरे जस्ट सीनियर वाले बैच से कोई बाहर तो नहीं गया है। अच्छा। एक मैम थी मेरी जस्ट सीनियर, उन्होंने लाइक इंटर्न तो करी थी बाहर ऑफ कैंपस, और वो लाइक पता नहीं कहाँ थी, वेस्ट बंगाल की साइड थी या कहीं, लेकिन उन्होंने लाइक रिसर्च बेस्ड इंटर्न करी है लेकिन इंडिया में ही करी। अच्छा, इंडिया से बाहर कोई नहीं गया? और पीएचडी के लिए कोई बाहर गया? किसी नहीं सर आइडिया नहीं, मतलब का पता कोविड की नहीं? वजह से लाइक जो मेरे से उससे भी ऊपर वाला बैच था ना, उनसे उनके ही कॉन्टेक्ट्स नहीं है तो मेरे क्या ही होंगे, अच्छा, मतलब आप लोगों के कांटेक्ट किसी से नहीं है, मतलब ऐसा सच ना? बस जस्ट सीनियर वालों से ही कॉन्टेक्ट्स हैं, क्योंकि हमारा चौथा ही बैच है लाइक एमएससी फिजिक्स का भी। हाँ हाँ, वो तो पता है। आईआईटी बीएचयू तो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ, बहुत पुराना नहीं है ये। ठीक है, बस ये सब ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ये कैसा होता है कि मतलब हॉस्टल्स वगैरह कैसे हैं आप लोग के? हॉस्टल तो सही दिख रहा है ऐसे, फूड वगैरह का बताओ। अच्छा, लाइक जो मेरा मैसेज लाइक ऐसा नहीं है कि लाइक चार पांच लाइक डिशेज रहेंगी तो लाइक एक दो तो अच्छी होंगी, तो लाइक ऐसा भी नहीं कि काम चलाना पड़ रहा है, अच्छा खासा खाना है, ठीक है, लाइक मैं इस चीज़ में बुराई नहीं करूँ, लाइक अच्छा, हमारी वैसे तो धनंजय है अच्छा खाना। धनंजय बताएगा, वो मराठी है तो उसको थोड़ी दिक्कत होती है, क्या पता। क्या हाल है भाई, आप बताओ। अरे नहीं सर, मतलब यहाँ पे दो कैटेगरी से मेस चलती है, मतलब एक जो कॉमन मेस होता है उसमें नॉनवेज चलता है, और एक सात्विक करके इन लोगों ने अलग से चला है कि वो प्योर वेजिटेरियन होता है। लेकिन ठीक है, उसमें एडजस्ट करना पड़ता है कि प्याज और लहसुन नहीं होता, लेकिन ठीक है, चल जाता है प्योर या वेजिटेरियन फिर के कुछ लिए। कुछ गाजर देने का मन कर रहा है, ऑनलाइन नहीं दे पा रहे हो? अरे नहीं, पक्का ना, श्योर हो ना? अरे देखो, कोई कुछ नहीं नहीं करेगा, बोल रहा मैं ये करूंगा, वीडियो एडिट कर दूंगा, बट मेरे को पता तो चलना चाहिए। नहीं क्या क्या क्या, बता बता। पक्का नहीं ना, सर। श्योर हो ना? हाँ, पक्का ना? गोमतेश ठीक से देखना इसका, इसकी शक्ल देखना, ये कुछ कुछ कहना चाह रहा है बट ये कह नहीं पा रहा, इसका लग रहा है कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी। अच्छा चलो कोई नहीं, हॉस्टल वगैरह का तो चलो ठीक है। और बाकी सारी चीजें, कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ देना चाहोगे तो, मतलब क्या क्या है आईआईटी बीएचयू का, बनारस कैसा घूमने में? सर लाइक यहाँ पे कुछ घाट्स हैं वो लाइक बहुत सेक्सी हैं, बहुत ज्यादा तो लाइक है मजा अच्छा। आता ना? हाँ लाइक एक बच्चों के लिए बता देता हूँ, लाइक यहाँ पे ना लाइक कैंपस के अंदर ही एक गर्ल्स कॉलेज भी है, तो लाइक उसे आईआईटी के ससुराल भी बोला जाता है, लाइक लग ही चल रहा धनंजय, आप कहाँ कहाँ घूमे? अच्छा, है। घाट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम, घाट्स ज्यादा पसंद है मुझे। कभी कभी जाते हो वीकेंड्स पे? जाते हो, कब जाते हो? हाँ मतलब जब कभी कंजिकेटिव 3 डेज का वीकेंड आ जाता है तो चला जाता हूँ, शुक्रवार या फिर शनिवार। अच्छा, और जो बीएचयू के, जो रेगुलर एमएससी वाले बच्चे हैं, जो बीएचयू के हैं, जो आईआईटी वाले नहीं, तो उनके साथ अभी एक बार इंटरेक्शन है आप क्लास लोगों लेने का? चला गया था मैं, हमारा सेमेस्टर ओवर हो गया था ना तो अच्छा। खाली बैठे हुए थे, और उनका जस्ट स्टार्ट हुआ था क्योंकि सुएट लेट हुआ था, तो उस चक्कर में मैं और मेरे एक दोस्त है प्रियांशु, तो उसके साथ हम अच्छा वहाँ अच्छा चले गए थे उस वाले कॉलेज में, आप चुपचाप क्लास लेके आ गए, तो लाइक क्यों, डिफरेंस ही पता चल गया एकदम से। लाइक क्या डिफरेंस था, कैसा डिफरेंस था? लाइक लाइक एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत तगड़ा डिफरेंस है, लाइक उनकी क्लासेस बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो भी उन्होंने लाइक बहुत पूरा लाइक ठीक था, लेकिन जो लाइक पर मैं ये कहूंगा लाइक आईआईटी की टीचर्स काफी सही है लगा, लाइक उनके मैंने लाइक उसी क्लास ली थी मैथमेटिकल मेथड्स की, तो लाइक कॉम्प्लेक्स पढ़ाया था लेकिन कुछ लाइक उससे अच्छा, सर सच बता रहा हूँ आपने पढ़ाया था अरे कॉम्प्लेक्स यार, ऐसी भी चीजें तारीफ किया करो, ठीक है? हाँ, बता बता बता, अच्छा लग रहा है सुनने में। अच्छा, तो और बाकी ऐसे बच्चों के साथ इंटरेक्शन है वहां के? हाँ मतलब जो मेरा दोस्त ना प्रियांशु, तो लाइक उसके कुछ मेट्स हैं तो वो बीएचयू में है, तो उनके साथ इंटरेक्शन रहता है, और कुछ लोग हैं कुछ और भी दोस्त हैं वो लोग लाइक मेरे हॉस्टल में आके रूम में आते हैं लाइक वैसे फन करने। तो ये दोनों का ये कैसा है, मतलब प्लेसमेंट का कैसा डिफरेंस है, वहां का प्लेसमेंट और यहाँ के प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, और मतलब ये पीएचडी कहाँ के बच्चों को ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू, मतलब ये दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो कुछ आइडिया है कुछ ऐसे? सर लाइक ये ना एक बिल्कुल कंट्रोवर्शियल हो गया, ऐसे में जैसे पीएचडी अच्छी जगह मिल ही जाती है, क्योंकि तो हमारे यहाँ लाइक जो प्रोफेसर हैं उन्होंने एमएससी से ही लाइक बीएचयू से एमएससी करी है, और फिर लाइक आज वो यहाँ पे ओके। प्रोफेसर हैं, तो लाइक हाँ, वो बता देता है लाइक जो मैं वहाँ पे भी मेहनत कर रहा है उसका भी हो ही जा रहा है कहीं ना कहीं। तो प्लेसमेंट कैसा है, मतलब यहाँ का बेटर है या वहाँ का बेटर है एज कम्पेयर टू परसेंटेज, क्योंकि वहाँ पे सीट्स ज्यादा हैं तो हाँ ये। सीट्स काफ़ी ज़्यादा है, हाँ, तो तो प्लेसमेंट हाँ किसका अच्छा होता ऑब्वियसली है? लाइक
हमारे ही प्लेसमेंट अच्छा है ये तो। कैसी कंपनीज लेके जाती है यहाँ के बच्चों को? लाइक फैकल्टी वाली भी लाइक जो साथ साथ आईटी सेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, लाइक ले जा रहा है, लाइक कम प्ले लाइक अभी रिसेशन चल रहा है आईटी सेक्टर में, तो लाइक अभी जो हमारा एक सीनियर है उसने डेटा साइंस के लिए करा है, उसका लाइक पैकेज गया 6.5 के अराउंड, लेकिन जो उससे भी ऊपर अबव ईयर था उन्होंने में उनमें भी से भी एक मैम थी डेटा एनालिस्ट के लिए, उनका 15 लाख का लगा था। और ओके बाकी फैकल्टीज के लिए जो नॉर्मल फिटजी वगैरह आकाश ये सब आती हैं नारायणा, 6 लाख या 8 लाख देती। अच्छा, इतना तक का पैकेज गया होगा। तो आप लोगों का क्या प्लान है, प्लेसमेंट लेना है या फिर रिसर्च में आगे जाना है? देखते हैं नेक्स्ट ईयर अच्छे फिर से। भी कुछ तो अभी तक दिमाग में रखा होगा, उसके हिसाब से आप लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह भी तो चूज करोगे ना। लाइक सर अगर लाइक कोई कंपनी आके लाइक मेरे को अबव देन 12 लाख देगी तो लाइक मैं प्रेफर करूंगा लाइक आईटी साइड जाने का, लेकिन ओके अगर अच्छा, नहीं देते तो लाइक फिर रिसर्च ही ऑप्शन भी है, वो भी अच्छा ऑप्शन है। धनंजय आपने क्या सोचा है? वही सर, मतलब अच्छा ऑफर मिले तो क्यों ना करना। आपने घर से क्या प्लान किया हुआ, मतलब घर में क्या बोला है कि प्लेसमेंट लेना है या ये करना? इसने को मुझे पता है कि यार आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट वगैरह चूज किए होंगे या फिर आपने जो फैकल्टी से जिससे कांटेक्ट बढ़ाना आपने स्टार्ट किया होगा, मोस्ट प्रोबेबली इस चीज को ध्यान में रखते हुए किया होगा कि मेरे को इस फील्ड में रिसर्च करना है या फिर मेरे को मतलब इसमें जाना, प्लेसमेंट वगैरह में जाना। तो आप लोगों के प्लान्स क्या चल रहा है अभी, क्योंकि आप लोग का सेकंड सेमेस्टर थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा, तो क्या रखा है आपने, मतलब बाय द एंड कुछ तो रखा ही होगा अपने माइंड में, तो क्या है वो? हाँ सर, मतलब वैसे भी अभी रिसर्च ओरिएंटेड थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हूँ प्लेसमेंट से, तभी गेट वगैरह लेकिन दोगे सब कुछ? हाँ प्लेसमेंट आउट ऑफ द माइंड नहीं है, लेकिन है प्लेसमेंट के लिए भी जगह है थोड़ी सी। अच्छा, और इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, मैनेज हो पाता है आप लोगों का? जैसे अगर सीएसआर वगैरह के लिए देखना हो या फिर गेट वगैरह के लिए प्रिपरेशन देखना हो, तो आप लोगों को टाइम मिल पाता है इतना कि आप लोग पढ़ सको उसके लिए, न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कर सको, या कैसा होता है, या कॉल क्लास में ही करा दिया जाता है, क्या चलता है? सर जो यहाँ के जो टेस्ट होते हैं ना लाइक वो बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, लाइक कोई डेरिवेशन नहीं कुछ भी नहीं, तो लाइक और वो जो होते हैं ना न्यूमेरिकल्स वो लाइक वो नेट में भी काम आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो जो अच्छा पेपर है वो बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस्ड, लाइक तुम्हें तुम्हारा पीछे का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो तुम कर लोगे, अगर नहीं है कॉन्सेप्ट अच्छा तो पेपर में खाली छोड़ के आना पड़ेगा, लाइक और कोई ऑप्शन नहीं है तुम पे, तो लाइक ओके पढ़ के ही जाना पड़ेगा। और पर हो अगर है तो फिर हो जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, हो जाए। पीवाईक्यूज वगैरह ट्राई कर रहे हो अभी हाँ मतलब साथ साथ आप? देंगे आप भी कर रहे हो या क्या कर रहे हो, आपको आपका कैसे चल रहा है? मतलब प्रिपरेशन वाइज, हाँ सी मतलब सीएसआई हाँ का तो देखते ही होगे कम से कम। हाँ सीएसआर का तो देखा ही है अभी, मतलब थोड़ी देर पहले फॉर्म आया, लेकिन उसके बाद प्रिपरेशन शुरू किया है। मतलब थोड़ा बहुत अच्छा पीवाई केस वगैरह मिलाना जुलाना शुरू किया है, मतलब कुछ कुछ मटेरियल है या नहीं है तो उस हिसाब से क्योंकि चल रहा जून जून 6 7 8 को ही आपका एग्जाम होगा, तो सही बात है, आपको 3 महीने के है। अंदर प्रिपरेशन थोड़ी तो करनी पड़ेगी। और देखो एक बात का ध्यान रखना कि सीएसआर का एग्जाम जो क्रैक करना होगा ना, वो आपके फर्स्ट ईयर के बाद ही ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू इन सेकंड ईयर। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो ये क्रैक करना ज्यादा इजी होता है, रीजन इज कि आपने फर्स्ट ईयर में ही सारे कोर सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं। आप सीएसआर का सिलेबस देखा उठा के देख लेना, आपका 80% सिलेबस वही होगा जो आपने फर्स्ट ईयर या ग्रेजुएशन में पढ़ लिया होगा। तो अभी अगर आपके पुराने जो ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं या क्लास में जो सॉल्व कराए गए, अगर उनको ढंग से करोगे तो फिर सीएसआर फोड़ दोगे। आपको पता, आपका सीनियर एक था शाश्वत, शायद सुना होगा आप, गोमतेस को तो पता होगा ना, वो शाश्वत ने इस बार ये दिया है, ये गेट दिया हुआ है, उसकी 300 समथिंग कुछ रैंक आई है, फर्स्ट अटेम्प्ट था, और क्लास में ही पढ़ के मतलब कॉलेज में ही पढ़ के उसने किया है, तो अलग से उसने कुछ प्रिपरेशन नहीं करी है। तो ऐसा है कि अगर वो लोग कर सकते तो ऑब्वियसली कोई भी कर सकता है, बात ये होगी। और उसका ऐसा था कि उसका ग्रेजुएशन भी वो मैथमेटिक्स से था, इग्नू से था, उसका रेगुलर फिजिक्स भी नहीं था ऐसा। तो ऐसा कि अगर ठीक से लगोगे तो फिर आराम से ये हो ही जाएगा, तो शायद इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्लानिंग्स अपनी कर भी लेनी चाहिए। और बाकी ये कैंपस कैसा है? कैंपस तो काफी बड़ा है, काफी अच्छा लगा होगा आप लोगों को, वीटी वगैरह हाँ घूमे कि नहीं? सर कैंपस काफ़ी अच्छा है, लाइक लाइक सबसे अच्छी बात बताइए क्या, यहाँ पे हॉस्टल टाइमिंग की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लाइक लड़कियों को भी नहीं है, तो अच्छा, लाइक ओके काफ़ी लाइक आईआईटी में लाइक काफ़ी अच्छा सीन है। बाकी लाइक जो ड्रॉबैक रहता है लाइक ये ओपन कैंपस है हमारा, तो लाइक तो वो रहता है लाइक कि लाइक बाहर से लोग ना आ जाए वगैरह वगैरह, तो पर उसके लिए भी लाइक प्रॉक्टर की गाड़ी घूमती रहती है सिक्योरिटी के लिए, तो लाइक ऐसा कुछ नहीं है अपने कैंपस में, कोई कुछ नहीं कहता। अच्छा, तो लाइब्रेरी वगैरह का एक्सेस आप लोगों को भी, जो सेंट्रल लाइब्रेरी बी एच यू का, उसका एक्सेस आप लोगों को है? हाँ एक्सेस हमें भी है, लेकिन हमारे पास भी लाइब्रेरी है, तो लाइक मैं मोस्टली अपनी लाइब्रेरी प्रेफर करता हूँ, लाइक गया नहीं होता कुछ खास वहाँ।
अच्छा, और आप लोग की फीस कितनी गई थी यार फर्स्ट सेकंड ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर की फीस कितनी थी फर्स्ट सेमेस्टर की? सर लाइक हमारी लाइक पता है लाइक मेरे को यही बात है कि हमारी फीस ना कम थी, लाइक IIT हैदराबाद का लाइक फर्स्ट सेमेस्टर कुछ 65-75 गया था, और हमारा आई गेस कितना गया था, 40 के अराउंड गया था ना। 44, 44 roughly, हाँ लाइक मैं 44 नहीं, हाँ इंक्लूडिंग फूड। हाँ हाँ यस सर, आपका 44 इंक्लूडिंग फूड था। यस सर, हाँ लाइक उसमें लाइक आई गेस 15,000 या 12,000 हमारा मेस फीस था। और काफी सस्ता है यार, हमारे बॉम्बे का तो 35, लगभग 32-33,000 का फूड का ही चला जाता है। फंड्स फंड में होंगे ना सर। आईआईटी दिल्ली ने ऑलमोस्ट, पता है आईआईटी दिल्ली की जो फीस है वो फर्स्ट सेमेस्टर की ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास थी। 80,000 फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर की, ईयर की नहीं। तो आप लोगों का दोनों सेमेस्टर मिला के कितने में चला? दोनों सेमेस्टर लेस देन 80 हाँ, 75 तक पहुंच गया होगा ज्यादा से ज्यादा। गया। और ये कैसे थे, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक कितनी थी ऑलमोस्ट, कुछ याद है? नहीं सर, लाइक आई गेस लाइक मेरा 410 था, तो लाइक आई गेस 420 तक थी शायद, ऐसे ही कुछ था, 420 या 430। धनंजय का, धनंजय आपका तो शायद ओबीसी था या जनरल था? आपका ना, मेरा जनरल था, अच्छा, तो जनरल था तो ज्यादा ही कितने रैंक पे था। आपका? हाँ मेरा इसकी फोर रैंक फोर थोड़ी एट ज्यादा था। है। हाँ, मेरा 448 था। 448 था, मतलब ऑलमोस्ट कितने, कौन से राउंड में मिला था आप लोगों को? 29 को शायद फर्स्ट राउंड में मिला था ना? नहीं सर, मेरे को फर्स्ट राउंड में इंदौर मिला था, सेकंड में मिला था मैं, अच्छे सेकंड से उसके बाद अपग्रेड नहीं हुआ मेरा, हैदराबाद 5 रैंक से रहा था। और धनंजय आपका नहीं, मुझे थर्ड राउंड में मिला है। था, मतलब ये होगा मेरे ख्याल हाँ से फोर्थ राउंड, फिर इतने पे ही क्लोज हुआ होगा ना, 400 450 पे बंद कर दिया हाँ होगा ने। मतलब लगभग शायद 478 तक गया होगा। 478 तक, बढ़िया है, तो फिर काफी सही है, मतलब 400 के हिसाब से उस हिसाब से ठीक है। पता नहीं, अच्छा ये बताओ आप लोगों को क्या है, मतलब दोस्तों से बात होती होगी जो आप लोगों के साथ IITs में हैं, दूसरे IITs में, तो कैसा लगता है कि कहाँ पे कमी रह जाती है यहाँ पे BHU में, और उनका क्या बेटर लगता है या उनका क्या खराब लगता है, ये सब कुछ अगर आइडिया हो तो, अगर बात होती है किसी से तो। हाँ सर, लाइक गौरव से होते हैं मेरी, वहाँ आए थे हैदराबाद में अभी, तो लाइक एज सच मुझे लाइक कोई डिफरेंस नहीं लगा। लाइक इतना पता है IIT हैदराबाद जो रिसर्च ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लाइक IIT BHU से ये मुझे पता है, पर हाँ वो अच्छा है इतना ही पता है, लाइक और उससे ज़्यादा कोई आइडिया नहीं। और उन लोगों का फूड वगैरह कैसा है, मैं नहीं, हैदराबाद का मैसे खाना अच्छा नहीं है, हैदराबाद में खाना अच्छा अच्छा लाइक वो चला गया ना साउथ टाइप, तो नॉर्थ वाले लोग नहीं कर पाएंगे इतना मैनेज। ऐसा है। और ये धनंजय आपकी नहीं किसी से बात होती है, किसी सर, से बात नहीं करते? नहीं सर, मतलब इंटरेक्शन बैच में सर था ही नहीं, मतलब इतना ज्यादा। ओके, तो बाकी आपके सर क्लासमेट्स सर वगैरह शायद कोई? एक IIT गुवाहाटी बोलो में बोलो। सर रोहित गुप्ता करके ऐसा है, पता नहीं लाइक, ओके अच्छा, हाँ तो शायद उसका भी। IIT गुवाहाटी में तो और भी एक ये होगी, क्या नाम है, कल ही तो उसका इंटरव्यू लिया था मैंने, रितिका का, तो हाँ वो मैंने भी उसे IIT देख गुवाहाटी। रही हूँ, हाँ जी। तो मतलब ऐसे कुछ ऐसा इंटरेक्शन वगैरह है नहीं। अच्छा लास्ट आखिरी क्वेश्चन होगा, कोडिंग का क्या चल रहा है, कौन सा मतलब लैंग्वेज करा रहे हैं आप लोगों को? हमें अभी पाइथन करवाई है कंप्यूटेशनल फिजिक्स कंप्यूटेशनल फिजिक्स में बस पाइथन, और दूसरा कोई प्रोजेक्ट वगैरह के लिए टीचर कोई लैंग्वेज सीखने को बोल रहे सर। ऐसे लैंग्वेज के लिए लाइक जो प्रोजेक्ट्स आए थे उसमें मशीन लर्निंग वगैरह यूज हो रही है, ऐसे प्रोजेक्ट्स आए थे, लाइक प्रोजेक्ट की अच्छी खासी लिस्ट है यार, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स थे। हाँ तो उसमें हैं? मशीन लर्निंग थी काफी में। अच्छा, तो प्लेसमेंट वगैरह जो हो रही है उसमें भी ये आपके लैंग्वेज वगैरह देख रहे हैं कि लैंग्वेज का आपका नॉलेज कैसा है क्या नहीं है? हाँ सर, लाइक अगर जो लाइक IIT साइड जाता है तो उसका ऑब्वियसली देखा जाता है लाइक पूरा कोडिंग प्रोफाइल, या फिर डेटा साइंस में जाता है तो उनका अलग होता है, पाइथन SQL उनके लिए मेजर रहता है, तो वो वाला देखा अच्छा, जाता है। लाइक बस ये है कि हाँ जो कंपटीशन होगा फिर वो हमारा बीटेक वालों के साथ होगा, ओके। बाकी तो कौन, तो कंपनीज आती बीटेक का वहां को कौन सा, इंजीनियरिंग फिजिक्स वाला है क्या? है। हाँ इंजीनियरिंग फिजिक्स भी है, लाइक मतलब ओवरऑल सारे बीटेक का जो बच्चा प्लेसमेंट में बैठेंगे पूरी IIT साइड का, तो हमारा कंपटीशन फिर उनके साथ हो जाएगा, ये रहता है। तो प्लेसमेंट का क्या सीन होता है, मतलब सेंट्रल प्लेसमेंट सेल सेली सब कुछ करता है, या फिर कैसा होता है कि मतलब फिजिक्स डिपार्टमेंट का अलग से प्लेसमेंट सेल है कोई? नहीं, सर ऐसा कुछ नहीं है, पूरे उसका सेम ही रहता है, लाइक हर क्लास में TPRs बनाए जाते हैं यहाँ पे, मतलब हर जगह ही होता है, और वही बच्चे लाइक कंपनी से कोऑर्डिनेट्स करते हैं और कंपनी को लाते हैं।
ओके मतलब फिर आपका ये हो गया। हाँ मैं समझ गया, ठीक है चलो बढ़िया लगा। और कुछ एडिशनल कुछ बोलना चाहोगे अपने लर्न, मतलब आपके फेलो जो जूनियर्स उनको कोई सजेशंस? हाँ लाइक बस सर को अंधा भरोसा करते रहो, हो जाएगा। मेरा भी ऐसे ही हुआ है, मैंने बस यही करा है। मैं बस ऐसे बीच बीच में गायब हो जाता था, पर वो मत करना, इस वजह से मेरी रैंक कम रही है। अच्छी लानी है ना तो अच्छे बस स्ट्रीक बनाते रहो। अच्छे से करना है। धनंजय आप कुछ बोलो। हाँ मतलब लेट ज्वाइन करने के बाद भी हो सकता है, 5 महीने में 6 महीने में भी हो सकता है। आपने हाँ कब ज्वाइन किया था? गोमते से 2 साल पढ़ा है वो, लेकिन वो ऐसा था कि 1 साल पढ़ा पहले, फिर 2 महीने क्लास करके, फिर 4 महीने गायब, फिर वो आया, फिर 1.5 महीने गायब, वैसे हुआ था। आपका क्या सीन था, आपने कब ज्वाइन किया था? मैंने जुलाई के एंड में मतलब अगस्त के पहले हफ्ते में लगभग ज्वाइन किया था। उसके बाद आपकी तो बीएससी कैसी थी आपकी? सर ऑनलाइन थी। ये बढ़िया, ऑनलाइन था मतलब बहुत खराब ही होगा। चलो बढ़िया बढ़िया, चलो ठीक है गोमतेज, संजय बात करके आप लोगों को अच्छा लगा। आई होप जूनियर्स को काफी हेल्प मिलेगी इससे, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ठीक है मिलेंगे, जल्दी आएंगे आपके बनारस, ठीक है? यस सर, ओके जल्दी जी आइए। चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय गुड बाय नाइट। सर। या बाय सर। गुड।